आइए अब समझने की कोशिश करते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग का तीसरा पॉइंट है हाउ यानी प्लांट ब्रीडिंग कैसे काम करता है प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन एम होता है वो है वेरिएशन को क्रिएट करना जब आपके पास वेरिएशन होगा तभी आप अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं सपोज करिए कि स्कूल है और उसमें पचास बच्चे हैं तो वह पचास बच्चे में से जो टॉपर बच्चा है उसका मार्क्स मान लीजिए पचहत्तर परसेंट है बाकी बच्चों का पचहत्तर परसेंट से नीचे मार्क्स है तो हमको अगर ये जज करना होगा कि इन इस स्कूल इस में सबसे टैलेंटेड बच्चा कौन सा है तो हम उस पचहत्तर परसेंट वाले बच्चे को टैलेंटेड घोषित करेंगे या इंटेलिजेंट घोषित करेंगे मार्क्स के आधार पर है ना जब हमको मार्क्स के आधार पर इसको जानना होगा तब लेकिन अगर आप सपोज करिए कि उसी स्कूल के पॉपुलेशन अगर हज़ार हो यानी हज़ार बच्चों में हमें जज करने का मौका मिले तो हो सकता है उस हज़ार बच्चे में से कुछ बच्चे जैसे उसको पचहत्तर परसेंट एक जो टॉप था पचास बच्चे के अंदर में हज़ार बच्चे में हो सकता है कुछ बच्चे का मार्क्स नाइन्टी फाइव हो नाइन्टी एट हो या नाइन्टी नाइन तक हो तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हज़ार बच्चे में सिलेक्शन करेंगे और नाइन्टी नाइन को हम सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 75 परसेंट और 99 परसेंट कितना ज़्यादा वेरिएशन है और जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो 99 वाला हमारा बेटर है बनस्पत 75 तो हमको सिलेक्शन का मौका मिलता है यानी कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा हमको सिलेक्शन का चांस मिलेगा हम अच्छे से अच्छा यानी सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि अधिक उत्पादन ही अधिक उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता वाला भी उत्पादन हमको दे तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट ब्रीडिंग का वो होता है प्लांट ब्रीडिंग अगर एक प्लांट ब्रीडर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चाहिए तो वेरिएशन होता है अब ये वेरिएशन कैसे क्रिएट किया जाता है वेरिएशन दो तरह से क्रिएट हो सकता है या तो नेचुरली क्रिएट हो सकता है या आर्टिफिशियल खुद हम लोग क्रिएट कर सकते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जो प्लांट ब्रीडिंग काम करता है वो कोशिश करता है वेरिएशन को क्रिएट करना यानी कि क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन और जब हमारे पास वेरिएशन क्रिएट हो जाता है काफी ज्यादा वेरिएशन हो जाता है तब हम उसमें से क्या करते हैं सेलेक्शन करते हैं मतलब कि सपोज करिए कि हमारे पास ये पॉपुलेशन डेंसिटी है मान लीजिए इसमें कि 5000 हजार पौधे हैं 5000 हजार पौधे हैं इसमें इस 5000 इस हजार पौधे में से हमको सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करना है और मान लीजिए हमने दस पौधे को सिलेक्ट किया तो यहां पर क्या होगा जब हमने वेरिएशन क्रिएट किया तो हमारे पास कितना वेरिएशन था लगभग 5000 हजार पौधे हैं है ना इसमें से हमने मात्र दस पौधे को सेलेक्ट किया अब ये जो दस पौधा है इसका फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे इवैल्यूएशन डिफरेंट टाइप के चेक के द्वारा कर सकते हैं और इवेल्युएशन करने के बाद जो हमारे पास सुपीरियर प्लांट्स आएंगे उसका फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी जो सीड हमारे पास आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद इसका हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे मोटे तौर पर हम सब समझ सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग कैसे काम करता है प्लांट ब्रीडिंग सबसे पहले वेरिएशन को क्रिएट करता है उसके बाद जो क्रिएशन होता है वेरिएशन उसमें से सिलेक्शन करता है ये सिलेक्शन कई मेथड्स के द्वारा हो सकता है सिलेक्शन के कई मेथड्स होते हैं उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं क्रिएशन और वेरिएशन वेरिएशन को भी क्रिएट करने के कई मेथड होते हैं आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं और नेचुरली तो वेरिएशन क्रिएट होता ही भी होता ही है और इसके कई डिफरेंट मेथड होते हैं इसको भी हम लोग अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे तो जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं इसके बाद इवेलुएशन करते हैं इवेलुएशन के लिए भी ब्रीडिंग के कई मेथड्स लगाए जाते हैं और तब जाके मल्टीप्लिकेशन किया जाता है सभी स्टेप्स में कहीं ना कहीं सब स्टेप्स जुड़ा हुआ है जिसको कि हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे इस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग करता है सबसे पहले वेरिएशन क्रिएट करेगा फिर सिलेक्शन करेगा फिर इवेल्यूएसन करेगा फिर मल्टीप्लिकेशन करता है और तब फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस सेट को ग्रो करने के लिए इस प्रकार से हमारा प्लांट ब्रीडिंग काम करता है दूसरा क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स होते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग हमारा काम करने के लिए और भी बेसिस हो सकता है तो एक हमने बेसिस लिया सिंपल सा और भी बेसिस हो सकते हैं जैसे प्लांट ब्रीडिंग में आप जानते हैं कि जो भी पौधे होते हैं वो पौधा या तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो सकता है या क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स हो सकता है सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप्स एंड क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स के आधार पर ब्रीडिंग के मेथड्स को क्लासिफाई किया गया है जहां पर कुछ पौधे आप जानते हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे पॉलिनेटेड तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए जो ब्रीडिंग मेथड्स होगा वो अलग ब्रीडिंग मेथड्स होता है उसी तरीका से क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए कुछ ब्रीडिंग मेथड्स होगा और कुछ ब्रीडिंग मेथड्स इन दोनों को इंक्लूड करता है लेकिन इन दोनों ब्रीडिंग मेथड्स यानी जो क्रॉस पॉलीनेशन के आधार पर जो ब्रीडिंग मेथड है सेल्फ पॉलिनेशन के आधार पर है इन से जब इनका जब आ, कह सकते हैं कि एक बैरियर आ जाता है जहाँ पर ये एंड होता है जहाँ तक ये लिमिट में आ जाते हैं उसके बाद हमारा स्पेशल ब्रीडिंग टेक्निक भी काम में आता है कहने का मतलब है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो कैसे काम करता है प्लांट ब्रीडिंग जो वेरिएशन क्रिएट होता है उस वेरिएशन का जो हमने बताया जिस तरीक़ा से सिलेक्शन होता है वेलुएसन होता है वो सब ये देख करके भी किया जाता है कि ये सेल्फ़ पॉलीनेटेड क्रॉप्स है क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स है अगर सेल्फ़ पॉलीनेटेड क्रॉप्स होगा तो उसमें प्योर लाइन सिलेक्शन और ऐसे ही अन्य मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्रॉस पॉलीनेटेड क्रॉप्स होगा तो उसमें हम मास uh, सिलेक्शन या अन्य मेथड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं स्पेशल ब्रीडिंग टेक्निक्स जहाँ पर हमारा क्लासिकल ब्रीडिंग रुक जाता है या क्लासिकल ब्रीडिंग का एंडिंग होने लगता है जैसे कि आप आ, इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन खास करके इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ हद तक संभव ही हो पाता है लेकिन इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत मुश्किल होता है साथ ही जो उसके ऊपर अगर हम टैक्सा में जाते हैं और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है वैसे जगह पर हमारा स्पेशल ब्रीडिंग टेक्निक्स काम आता है जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल से जीन को आइसोलेट करके अदर इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये ट्रांसफ़र करने के भी कई मेथड होते हैं तो इस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग काम करता है मुख्य रूप से प्लांट ब्रीडिंग को जो काम करने का तरीका है वो वेरिएशन को क्रिएट करके सेलेक्शन का ही मुख्य काम होता है तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग को क्यों पढ़ा जाता है और प्लांट ब्रीडिंग कैसे काम करता है इसमें हमने इसके बारे में केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है ब्रीफ में हमने इंट्रोडक्शन दिया है प्लांट ब्रीडिंग का धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमको समझ में आएगा कि वास्तव में प्लांट ब्रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग को डायनेमिक साइंस क्यों कहा जाता है आगे की वीडियो में इन सब की चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें जय हिंद